नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, अष्ट विनायक भगवान की, श्री पंडरीनाथ भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ, ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देव आदिदेव महादेव की कृपा से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बड़े भाग्यशाली हैं पूना नगर के सभी श्रोता भाई बहन, जो भगवान देव आदिदेव महादेव की कृपा से भादव के पावन महीने में, जिस समय पर भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य हुआ है, ऐसी पवित्र समय में शुभानंद के अंतर्गत अष्टविनायक शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। कथा के मुख्य यजमान श्री शंकर भाऊ जगताप जी, भाजपा शहर अध्यक्ष श्री विजय भाऊ जगताप जी, अश्वनी ताई लक्ष्मण भाऊ जगताप, लोक नेता लक्ष्मण भाऊ जगताप मित्र परिवार, एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन, जिन्होंने संपूर्ण पूना नगर को बहुत सुंदर एक ये सौगात है शिव महापुराण की जो अपने क्षेत्रवासियों को दी है। राजनेता तो कोई भी बन जाता है, सत्ताधारी तो कोई भी बन जाता है, पर नेता बनने के साथ में उसके हृदय में शिव के प्रति अगर भक्ति है तो समझ लो कि कहीं ना कहीं शिव जैसा शासन वो अपने क्षेत्र में कर सकता है। और ये भक्ति कोई अलग से हमें ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि इस भक्ति को हम कहीं ढूंढने के लिए जाएं, अपने भीतर से हमें प्रकट करना है। जब हम अपने अंदर से भक्ति को प्रकट करेंगे तो मुक्ति का जो मार्ग है वो सुलभ हो जाता है। आज लाखों की संख्या में अगर पूना के निवासी क्षेत्रवासी इस पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं तो ये मानकर चलो कि शिव ने आपको अपने लिए स्वयं के लिए मेरे भोलेनाथ ने आपको चुना है। ये शिव की कृपा से है। और जब तक वो कृपा नहीं करता, जब तक वो करुणा नहीं करता, जब तक वो दया नहीं करता, तो जीवन का कोई अच्छा कार्य हम कर नहीं सकते। आप कितना ही प्रयास कर लो,
और कुछ भी कहो, महाराष्ट्र की इस पावन धरा को, पुनित पुण्यमय धरा को बहुत बहुत साधुवादता, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, जिसमें आप सब शिव भक्ति को धारण कर रहे हैं। शंकर भगवान की अविरल भक्ति को आप धारण कर रहे हैं। कथा के मध्य में, कथा के बीच में थोड़ा थोड़ा पानी थोड़ी थोड़ी देर में आता रहता है, ऐसा लगता है जैसे भोले बाबा तुम्हारे ऊपर फूल बरसा रहे हैं। आता है, चला जाता है, फिर आता है, फिर चला जाता है। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी ने दर्शन। यहाँ आप और हम भगवान शंकर की भक्ति करने के लिए आए हैं, और भक्ति में सबसे मूल अगर कुछ है तो वह हमारा विश्वास है, हमारा भरोसा, हमारी दृढ़ता। और विश्वास जब तक दृढ़ी नहीं होता, भरोसा जब तक पक्का नहीं होता, तब तक भगवान कैसे मिले। आज गणेश चतुर्थी है, संपूर्ण भारत की भूमि पर, और भारत में ही नहीं विदेश में भी हमारे सनातनी भाई बहन भगवान गणेश की विराजमान कर उनकी पूजन कर रहे हैं, स्थापना कर रहे हैं। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई हो, संपूर्ण देशवासियों को तो हो, पर साथ में जो विदेश में भी बैठकर हमारी सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं उनको भी नमन, उनको भी भाव से बधाई। केवल 10 दिन के लिए गणेश जी को हमें नहीं बिठाना, 10 दिन हुए विसर्जन कर दिया अनंत चतुर्दशी का। गणेश क्या है? गणेश हमारा विवेक है, गणेश हमारी विनयता है। श्री गणेश जी महाराज हमारा विवेक भी है, और श्री गणेश जी महाराज हमारी विनयता भी है, हमारी विनम्रता भी है। जो विवेक से काम करता है और विनम्रता में अपने जीवन को जीता है, समझ लेना कि वो गणेश जी की पूजन रोज करता है, प्रतिदिन कर रहा है, क्योंकि उसमें विनम्रता भी है, उसमें विवेक भी है। और बड़ी जरूरी है, विनम्रता अगर नहीं है आपके भीतर में तो आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना और कैलाश पर्वत पर चढ़ना, दोनों में अंतर है। बोलो अंतर है कि नहीं है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए स्पर्धा की जरूरत होती है। माउंट एवरेस्ट पर लोग चढ़ते हैं स्पर्धा के लिए, मैं चढ़ी वो रह गया, मैं ऊपर पहुंच गई वो रह गया। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना और कैलाश पर्वत पर चढ़ना, दोनों में अंतर है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए स्पर्धा चाहिए, स्पर्धा होती है, और कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए स्पर्धा नहीं, श्रद्धा होती है, तो कैलाश पर्वत पर चढ़ पाते हैं। स्पर्धा और श्रद्धा में बहुत अंतर है। श्रद्धा में कोई कंपटीशन नहीं है, श्रद्धा में कोई दिखावा नहीं है।
जब व्यक्ति स्पर्धा करता है, कहीं प्रतियोगिता में जाता है, तो वहाँ दिखावा भी होता है, कंपटीशन भी होता है, और वो आगे बढ़ने की एक होड़ लगी रहती है। कल आपको कथा में कहा था, शंकर जी के मंदिर में जाना तो दिखावा नहीं करना। शिव के मंदिर में जाना तो दिखावे से परे रह जाना। शंकर भगवान को तुम्हारा कंपटीशन से मतलब नहीं है कि तुम कितने लोटे जल चढ़ा रहे हो, कितना भोग लगा रहे हो, कितना दुर्वा चढ़ा रहे हो, कितनी बेलपत्री चढ़ा रहे हो, कितना सामान तुम शंकर जी को दे रहे हो, उससे शिवजी प्रसन्नता का भाव नहीं रहता। तुम्हारी स्पर्धा से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा जा सकता है, पर स्पर्धा से, प्रतियोगिता से कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ सकते। कैलाश पर्वत पर चढ़ना शिव को प्राप्त करने के लिए स्पर्धा नहीं, तुम्हारे भीतर की श्रद्धा जितनी प्रबल होती जाएगी उतना परमात्मा तुम्हारे करीब आता चले जाएगा। अब श्रद्धा, विश्वास, भरोसा हम कहां से प्रकट करें? अगर हमारे भीतर कोई विश्वास है ही नहीं, मेरी माताओं से निवेदन है, मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरे भाइयों से निवेदन है, जिस कन्या के साथ में तुम्हारी शादी हुई है वो तुम्हारी धर्म पत्नी बनी है, और जिस पुरुष के साथ तुम्हारा विवाह हुआ है, जिस लड़के के साथ तुम्हारी शादी हुई है वो तुम्हारा पति है। अब दोनों के रहने में, दोनों के साथ चलने में सबसे प्रबल है तुम्हारा विश्वास, सबसे प्रबल है तुम्हारा भरोसा। पत्नी मोबाइल पर किससे बात कर रही है, पति मोबाइल पर किससे बात कर रहा है? अगर पत्नी पति पर भरोसा रखती है और विश्वास रखती है तो पत्नी, पति किसी से भी बात कर रहा है, अगर तेरा विश्वास पक्का है, तेरी दृढ़ता पक्की है, तो ये मान कर चलना कि तेरा पति तेरा ही रहेगा, वो कितना भी भटक कर आ जाए। हम अगर विश्वास को तोड़ देते हैं, भरोसे को तोड़ देते हैं, तब पत्नी और पति में विभाजन हो जाता है और पति गलत मार्ग पर जाने लगता है, फिर पत्नी भी अपने बच्चों को, अपने पति को समय नहीं दे पाती है, वो अपने ऑफिस में, अपने कार्य में लग जाती है, क्योंकि विश्वास नहीं है दोनों में, दोनों में भरोसा नहीं है, दोनों में दृढ़ता नहीं। एक विश्वास की एक बात यहां पर आई है पत्र में, मेरा नाम गुड़िया गुप्ता है, पति का नाम विजय गुप्ता है, ग्राम पोस्ट रजत पार्क, जिला पालघर, महाराष्ट्र से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार वापिस, हाँ ऐसे हिला दो। गुरुजी, मेरे बाबा का मैं क्या गुणगान करूं, मेरे पति 20 साल से दारू पीते थे, 20 साल से मेरे पति दारू पीते थे, मैं बहुत परेशान थी गुरुजी। फिर मेरी सहेली के घर पर गई थी तो सहेली बोली, सियोर वाला महाराज की कथा आती है आस्था चैनल पर, टीवी के सामने बैठकर तू संकल्प कर, टीवी के सामने एक आसन लगा कर बैठ जाना, सोफे पे बैठे तो सोफे पे बैठ जाना, पलंग पर बैठे तो पलंग पर बैठ जाना, पर बैठना जब तक कथा चले तब तक बैठ कर संकल्प लेकर सुनना। और मैंने कथा सुनना प्रारंभ करी, 20 सितंबर 2022 से मैंने आपकी कथा पहली बार सुनी थी। 20 साल से मेरा पति दारू पी रहा है और मैं 20 सितंबर 2022 को पहली बार आपकी कथा टीवी पर सुनी, जिसमें आपने पशुपतिनाथ के व्रत का वर्णन किया, बाबा से संकल्प करा, टीवी के सामने बैठकर संकल्प करा कि मेरा पति दारू
नहीं छोड़ता, कुछ ऐसी कृपा कर दो बाबा कि मेरे पति की दारू छूट जाए, मैं पशुपति व्रत प्रारंभ कर रही हूं। और जिस दिन मेरे पति की दारू छूट गई मैं पंडाल में जाकर कथा जरूर सुनूंगी, ये मैंने बाबा से निवेदन करा और संकल्प लिया। 2022 में मैंने बाबा से 20 सितंबर को संकल्प लिया और कथा सुनी, बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। पति ने, मैंने पशुपति व्रत पूरा कर लिया पर पति दारू छोड़ने को तैयार नहीं हुआ, मैं समझाती नहीं मानते। तब किसी ने कहा कि केवल टीवी पर बैठकर कथा सुनी है आपने, एक बार कहीं मौका मिल जाए तो पंडाल में बैठकर कथा सुनो। तब आपकी कथा पावागढ़ में चल रही थी गुजरात में, मैं पालघर से पावागढ़ चली गई और पावागढ़ के गुजरात में जब कथा चली तब मैंने एक दिन की कथा को सुना और बाबा से प्रार्थना कहा, बाबा तेरी इस रज को मैं यहाँ से लेकर जा रही हूँ कथा के पंडाल से, बाबा तू ऐसी कृपा करना कि मेरा पति अगर मदिरा को भी छुए तो उसको विष नजर आए, ऐसी कृपा कर देना। बाबा को कहकर मैं पावागढ़ की कथा से रज को स्पर्श कर अपने मस्तक पर लगाकर चली गई और बाबा को कहकर गई और बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव कि जो मेरा पति 20 साल से दारू नहीं छोड़ पाया उसने दारू से नफरत कर ली। और एक दिन मैंने उसकी परीक्षा भी ली, मैंने कहा अगर तुम्हारा मन करता है और तुम्हें अगर बेचैनी लग रही हो तो मैं मंगवा कर दे देती हूँ, मेरा पति कहता है ना जाने मुझे क्या हो गया, जब उसको देखता हूँ दारू को तो मुझे नफरत सी लगती है, उस दिन से दारू छोड़ी है, मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए बैठी है। बहन दोनों हाथ एक बार हिला दो, हर हर महादेव, बधाई आपको, बाबा की कृपा बनी रहे, बैठिए। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर की करुणा, शंकर की उदारता, शंकर की दया इसी को कहते हैं। आप किस भाव से आए हो हमको नहीं मालूम है कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, तुम्हारे हृदय में क्या चल रहा है। जब इस व्यास पीठ के पास में हम आते हैं झोली पसार कर यहाँ पर बाबा को नमन कर कर कहते हैं, बाबा ये जितने आए हैं और जितने टीवी के सामने सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक पर सुन रहे हो, जहाँ बैठे हो, अगर ये झोली ना पसार पाए तो इनके लिए हम झोली पसारते हैं और इनकी झोली भर कर भेजते हैं। आप दिल से अगर उसको पुकार रहे हो, आप दिल से उससे निवेदन कर रहे हो तो वो दिल से सुनता है। आए बड़ी दूर से हो, हम जानते हैं कि यहाँ पूना नगर में हमारा कोई छोटा सा सीओर नहीं है कि 5 मिनट में सीओर पहुंच गए, 5 मिनट में कुबेरेश्वर धाम पहुंच गए, 5 मिनट में रेलवे स्टेशन पहुंच गए, 5 मिनट में बस स्टैंड पहुंच गए, हमारा सीहोर नहीं है, बहुत छोटा है हमारा सीहोर। सीहोर छोटा है पर मेरा बाबा मोटा है। वो कुबेर भंडारी बड़ा मोटा है, वो तो ये पुणे है और पुणे के अंतर्गत, मुंबई के अंतर्गत कोई भी जगह छोटी नहीं होती, थोड़ा दूर रेलवे स्टेशन दूर, बस स्टैंड दूर, हॉस्पिटल दूर, तो कहीं कोई कार्य दूर, बहुत दूर दूर सब बसे हुए होते हैं, तब जाकर तुम एकाग्रित होते हो, यहाँ आए हो, टाइम निकाल कर पहुंचे हो। तुमने तुम्हारी पड़ोसन की लड़की की शादी में अगर काम किया है तो तुम्हारी पड़ोसन तुम्हारे घर की लड़की की शादी में भी काम करेगी। तुम अगर यहां तक आए हो तो वो भी तुम्हारे दरवाजे तक पहुंच ही जाएगा, भले दूर हो, कितना भी दूर हो वो पहुंचेगा।
बस को खड़ी करने के लिए बस स्टैंड की जरूरत है, रेल को खड़ी करने के लिए रेलवे स्टेशन की जरूरत है, हवाई जहाज को खड़ा करने के लिए एयरपोर्ट की जरूरत है, हेलीकॉप्टर को खड़ा करने के लिए हेलीपैड की जरूरत है, अपनी गाड़ी को खरीद करने के लिए पार्किंग की जरूरत है, और भोलेनाथ को दिल में लाने के लिए नूतन हृदय की जरूरत है। निर्मल मन सो मोहिता, आपका दिल आपका मन जितना पवित्र होगा, जिस भाव से आप बाबा को रिझाने का प्रयास करोगे उतने भाव से बाबा रिझ जाए। अष्ट विनायक में तीसरे नंबर के विनायक हैं बल्लालेश्वर मां विनायक। बल्लालेश्वर विनायक जो तीसरे नंबर पर हैं, ये हमारी विश्वास की दृढ़ता को प्रबल करने वाले। एक सेठ और एक सेठानी जिनका बेटा बल्लाल, अब विश्वास देखिए कैसी प्रबलता लाता है, भरोसा देखिए कितनी प्रबलता लाता है। छोटा सा बेटा, अब कौन बोले सेठ जी को कि तुम्हारा जो बेटा जन्म लिया है, उस समय पर तुम्हारी जो धर्म पत्नी थी वो शिव की आराधना में लगी रहती थी, शंकर के गुणगान में लगी रहती थी, और वो अर्धांगनी सेठ जी की जो धर्म पत्नी थी वो भगवान शिव जी से हमेशा एक ही बात मांगती थी कि कुछ ऐसी कृपा करना मेरा जो बेटा जन्म ले वो आपकी सेवा में, आपकी भक्ति में, शिव की भक्ति में, गणेश की भक्ति में, देवी की भक्ति में, भगवान की भक्ति में लगा रहे। एक तुम हो और एक वो सेठानी, दोनों में अंतर है। आज के जमाने में नारी का अगर गर्भ ठहरता है ना, तो वो पहले से विचार करती है मेरे बेटे को मैं डॉक्टर बनाऊंगी, दूसरा सोचता है मेरे बेटे को इंजीनियर बनाऊंगी, तीसरा सोचता है मैं अपने बेटे को कलेक्टर बनाऊंगी। है आज के जमाने में इस पढ़ाई के चक्कर में लोग इतनी कंपटीशन में पड़ गए हैं, इतना टेंशन में पड़ गए हैं। जितने यहाँ बैठे हो, ये तुम जितने बैठे हो ना, ये तुम और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं और जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, आप में से सबसे पूछो आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहती हो, तो कोई कहेगी इंजीनियर, कोई कहेगी CA, कोई कहेगा डॉक्टर, कोई कहेगा कलेक्टर, कोई कहेगा SP, कोई कहेगा DSP, कोई कहेगा ये, कोई कहेगा वो। इतने बैठे हो, आप में से एक आज तक नहीं बोला कि मैं अपने बेटे को संत तुकाराम बनाऊंगी कि ज्ञानेश्वर बनाऊंगी, कि मैं अपने बेटे को मुक्ताई भाई बनाऊंगी, कि मैं अपने बेटे को स्वामी विवेकानंद बनाऊंगी, कि रामकृष्ण परमहंस बनाऊंगी, कि मीरा बनाऊंगी। पहले के लोग अपने बच्चे को संत बनाने का, साधु बनाने का, उसको श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करते थे। आज के जमाने में जिससे मिलो वो एक ही बात कहता, बेटा पढ़ाई कर रहा है गुरुजी, आशीर्वाद दे डॉक्टर बन जाए। बेटी पढ़ाई कर रही है गुरुजी, आशीर्वाद दो इंजीनियर बन जाए। बेटा पढ़ाई कर रहा है गुरुजी, आशीर्वाद दो CA बन जाए। एक भी नहीं आता हमारे पास में कि जो कहे मेरा बेटा संत तुकाराम जैसा बनने का प्रयास कर रहा है गुरुजी, आशीर्वाद दो कि हरि विट्ठल के भजन में लग जाए। कोई नहीं चाहता, आप जितने बैठे हो ना, तुम भी नहीं चाहते कि तुम्हारा बेटा तुकाराम बने। फालतू की बात कर रहे हो, और जब भी तुकाराम जी का दर्शन करने जाते हो तो माथे पे पल्लू लेके हरि विट्ठल हरि विट्ठल, जब जब ज्ञानेश्वर बाबा का दर्शन करने जाओगे, बाबा जी का दर्शन, बस दर्शन कर, गजानन महाराज का दर्शन करने के लिए आकोट जाओ, दर्शन कर। पर एक नहीं है तुम में से जो कह दे कि मेरे बेटे को मैं संत तुकाराम बनाऊंगी, मैं ज्ञानेश्वर बनाऊंगी, मैं बेटे को मीरा, मैं बेटे को कर्म, बेटी को कर्मा बना। फालतू की बात, अगर वो रोज रोज सुंदरकांड में चला जाए तो रात्रि को तुम दो चार धर के उसका कांड कर दो। वो रोज रोज अगर सत्संग में चला जाए, वो रोज रोज कथा सत्संग में जाए तो तुम क्रोध में आ जाओ।
बड़ी बड़ी विडंबना है, बहुत विडंबना। सेठानी अपने गर्भ में जो बच्चा है उस बच्चे को भगवान शिव जी की आराधना करते करते उनसे निवेदन करती है कि मेरा बच्चा आपकी सेवा में लगे, मेरा बच्चा आपके गणेश जी की सेवा में लगे, मेरा बच्चा माता रानी की सेवा में लगे, मेरा बच्चा संत सेवा में लगे। और सेठ जी को नहीं मालूम कि पत्नी भगवान की आराधना करते करते क्या मांग रही है। और गर्भ में जो बच्चा था भगवान की कृपा से ऐसा संस्कारवान पैदा हुआ, ऐसा संस्कारवान पैदा हुआ कि वो संस्कारवान ऐसा पैदा हुआ कि अपने माता पिता को प्रणाम करता, उसका नाम बल्लाले। तो वो बल्लाल अपने माता पिता को नमन करता, बड़ा हो गया, विद्या अध्ययन करने गया, मन नहीं लगा क्योंकि उसका मन भगवान शंकर की और गणेश की आराधना में लगा था। उसका मन भगवत भजन में लगा हुआ था। दुनिया के सबसे ज्यादा संत अगर कहीं जन्म लिए हैं तो यह महाराष्ट्र की पावन धरा पर जन्म लिया। दुनिया के सबसे ज्यादा वीर जो मुगलों की सेना के सामने तत्पर खड़े रहे और एक तरफा राज्य स्थापित करा तो यह महाराष्ट्र की भूमि पर वीर पैदा हुआ। सनातन धर्म की रक्षा करने वाले भी अगर कहीं पैदा हुए तो इस महाराष्ट्र की भूमि पर पैदा हुए। ये भूमि आप पूरे पूरे दुनिया में कहीं पर भी घूम कर आओ और महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर आना, आप में एक अलग सी एनर्जी आ जाएगी। सबको देखकर कि यहां जो देखो इतना काम में लगा रहता, किसी को फुर्सत नहीं है, सब अपने अपने काम में लगे, सब अपने अपने कार्य में लीन है, अलग से एनर्जी आएगी, अलग से बल मिलेगा, कार्य करने की रुचि आएगी, जागरूकता आएगी। जो महाराष्ट्र का पानी पी लेता है वो 10 घाट का पानी नहीं पीता, एक ही घाट भारी है उसको। साधारण है, महाराष्ट्र की पावर धारा, महाराष्ट्र की पुण्यमय धारा संत की धारा है, महाराष्ट्र की पुण्य धारा सत्य की धारा है और महाराष्ट्र की पुण्य धारा सनातन धर्म की धारा है। यहां वीर सनातनी होते हैं। यहाँ पर एक वीर ऐसे हुए, अभी की कथा, यहाँ पुराने वीरता की तो बात ही नहीं कर रहे हम। यहाँ के वीर एक ऐसे हुए, बाला साहिब ठाकरे ऐसे वीर हुए जो 1990 में जब उपद्रव मचा कश्मीर में और विरोधियों ने जब विरोध करा और अमरनाथ की यात्रा को रोकने का कहा, तब बाला साहब ठाकरे ने अपनी धाड़ भरी और कह दिया, मुंबई से ही तो निकलोगे तुम भी, अगर वो अमरनाथ की यात्रा रुकी तो मुंबई से जाने वाली सारी यात्रा रोक दी जाएगी, तुम जहां जाना चाहते हो तब जाकर फिर अमरनाथ की यात्रा प्रारंभ। ये कुछ साधारण है, ये साधारण भूमि है क्या? इसी महाराष्ट्र की पावन धरा से वीर शिवाजी का प्रगट्य है, इसी महाराष्ट्र की पावन धरा से मां अहिल्याबाई का प्रगट्य है। इस वीर भूमि को हम कैसे भूल जाए? संत दिए, साधु दिए, सन्यासी दिए, तपस्वी दिए, वीरता दी, सनातन धर्म दिया, चाहे दुनिया के लोगों ने कितना भी विरोध करा हो, पर यहां सनातन धर्म को हमेशा
जागरूकता उत्पन्न कराई गई है और जागरूकता दी गई है, जिससे सनातन धर्म बढ़ता रहे, सनातन धर्म बढ़ता रहे। आज पूरा देश जिन गणेश जी महाराज को अपने घरों में बिठा रहे हैं, आज पूरा देश जो गणेश जी महाराज की स्थापना कर रहे हैं, वो इसी महाराष्ट्र की पुण्यमय धरा से सब दूर सुगंध फैलाई गई, इसी महाराष्ट्र की पावन धरा से। बल्लाल ने माता के चरणों को प्रणाम करा, पिता के चरणों को प्रणाम करा, विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा था, पर मन नहीं लगा क्योंकि वो भगवान की सेवा में लगा था। बल्लाल करता क्या था, मिट्टी का तो शिवलिंग बनाता था और मिट्टी का ही गणेश बनाता था। मिट्टी का गणेश बना रहे हैं, मिट्टी का शिवलिंग बना रहे हैं और उसकी आराधना कर रहे हैं, उसकी आराधना। अब जो बच्चे उसके साथ विद्या अध्ययन करने गए थे उनको भी उसने उसी में लगा दिया। जो जैसा होता है वो वैसा दूसरे को भी कराता है। झूठ बोलने वाले का साथ पकड़ोगे तो वो तुम्हें झूठ बोलना सिखा देगा, चोरी करने वाले का साथ पकड़ोगे तो वो तुम्हें एक ना एक दिन चोरी करना सिखा देगा, भजन करने वाले का साथ पकड़ोगे तो एक दिन वो भजन करना सिखा देगा, और सत्संग का साथ पकड़ोगे तो वो तुम्हें सत्संग करना सिखा देगा। ये उसके ऊपर आधारित है। आप साथ किसका पकड़ रहे हो, आप सानिध्य किसका कर रहे हो, आप किसका संग कर रहे हो, आप किसका साथ पकड़ रहे हो, आपके ऊपर निर्भर करता है, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। इसीलिए संगत का बहुत बड़ा अंतर पड़ता है। लिफ्ट से बिल्डिंग पर चढ़ना और पैदल पैदल बिल्डिंग पर चढ़ना, दोनों में क्या अंतर है, बोलो जल्दी से बोलो। लिफ्ट से बिल्डिंग पर चढ़ना और पैदल पांव के द्वारा बिल्डिंग पर चढ़ना, दोनों में क्या अंतर है? अरे बोलो ना पूना वाले, हमारे यहां तो उधर सीहोर में तो इतनी लिफ्टें भी नहीं है। है? कम मेहनत पड़ती है, बेटी बोली है कम मेहनत पड़ती है। लिफ्ट से चढ़ना और पैदल चढ़ना, दोनों में क्या अंतर है? दोनों में केवल एक अंतर भारी है। लिफ्ट से चढ़ते हो तो दूसरे के भरोसे चढ़ते हो, बोलो सही है कि गलत है? दूसरे के भरोसे चढ़ते हो, और अगर पैदल चढ़ते हो तो अपने बल पर, अपने पांव के भरोसे पर चढ़ते हो। अपने ऊपर भरोसा है तुम्हें, अपने पांव पर भरोसा है। अपने भरोसे पर चढ़ रहे हो, दो मंजिल मैं चढ़ जाऊंगी, तुम आओ लिफ्ट से, लिफ्ट की जरूरत तुम्हें, तुम आओ मैं अभी पहुंचती हूं, अब भी पहुंचती हूं मैं। बस शिव महापुराण की कथा यही कह रही है। भगवान से कहना, भोलेनाथ हमें कभी दूसरे की लिफ्ट की जरूरत नहीं पड़े, हमारा भरोसा पक्का रखना, हमारा विश्वास दृढ़ रखना, हमारा भरोसा पक्का रखना, हम अपने ऊपर इतना भरोसा रखें, मुझे मेरे पांव पर, मेरे हाथ पर, मेरे भाग्य पर और मेरे परिवार पर और मेरा अपने आप पर इतना प्रबल भरोसा होना चाहिए कि दुनिया का कोई व्यक्ति जो काम ना कर पाए वो मैं कर कर दिखा दूं, ये भरोसा मेरा पक्का, ये विश्वास मेरा दृढ़ हो,
और बल्लार, बल्लाल के विश्वास बड़ा दृढ़ था, भरोसा बड़ा पक्का था। मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं और जितने यहां बैठे हैं और जितने टीवी पर कथा सुन रहे हो, आप सबसे कहेंगे शरीर कमजोर पड़ जाए चल जाएगा, उसमें कोई टेंशन मत लेना कि मेरा शरीर कमजोर हो गया। शरीर कमजोर हो जाए चल जाएगा, पर अपने मन को अपने दिल को कभी कमजोर मत होने देना। शरीर अगर कमजोर हो गया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बीमारी आई, शरीर कमजोर हो गया, पर बीमारी आने पर तुम्हारा दिल कमजोर नहीं होना चाहिए। बड़ी से बड़ी बीमारी में भी अगर शरीर बेकार भी हो जाए तो दिल पक्का रखना कि मैं ठीक होकर मानूंगी, यह मेरा विश्वास है। शरीर कमजोर होने से कोई टेंशन मत लो, पर मन कमजोर मत होने देना, दिल कमजोर मत होने देना। व्यक्ति कब टूटता है? शरीर से व्यक्ति जल्दी नहीं टूटता, जो दिल से टूटता है, जो मन से टूटता है। यह कोरोना की बीमारी में जो आधे से ज्यादा मरे हैं ना, वो शरीर से नहीं मरे हैं। जो आधे से ज्यादा मरे हैं उनका दिल टूट गया था, मन टूट गया था। अब कोरोना हो गया, अब बच पाऊंगा कि नहीं बच पाऊंगा, अब मैं हॉस्पिटल में जा रहा हूं, मैं एम्बुलेंस में बैठकर हॉस्पिटल जा रहा हूं, अब बचूंगा कि नहीं बचूंगा। उनका दिल कमजोर हो गया, मन कमजोर हो गया। शरीर कमजोर होता ना तो चल जाता। और कई कई ऐसे भी हैं, इसी मंडप में बैठे हैं, इन्हीं पंडालों में बैठे हैं, जिनकी उम्र 65 साल 70 साल, कोरोना हो गया, चले भी गए, हॉस्पिटल भी गए, पर घर के लोगों से कह के गए, तुम टेंशन मत लो, ऐसा कई कोरोना निकल गया, चिंता विंता मत करना, आऊंगा वापस। और कई नवयुवक बेटे, कई नवयुवक बेटियां 40 साल 35 साल 25 साल 30 साल तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारी सोसाइटी में, तुम्हारे आसपास के क्षेत्र में, तुम्हारे मोहल्लों में, तुम्हारे गांव में देखना, जिनकी उम्र 30 साल की थी, 35 साल की, 40 साल की, लड़के नवयुवक 45 साल 50 साल जिनके नवयुवक बेटे बेटियां, जो शरीर से अच्छे दिख रहा है, और कोरोना हुआ, हॉस्पिटल गए और मालूम पड़ा, सूचना मिली कि वो तो चले गए, सूचना मिली वो चले गए। कारण शरीर से ज्यादा मन उन्होंने अपना कमजोर कर लिया, दिल कमजोर कर लिया, दिल कमजोर। कई कई छोरा छोरी हमसे मिलने के लिए आते हैं, लड़का लड़कियां, बेटा बेटियां। कोई कहता है मेरे को बड़ा धोखा मिला गुरुजी, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे धोखा मिला गुरुजी, मैं बहुत दुखी हूँ। तो हमने कहा दुखी हो तो करोगे क्या, ये बताओ। अब जिसने धोखा दिया वो तो आराम से पर्स टांग के पेंटिंग मेंटिंग करके पूरा जोरदार आराम से घूम रही, और तू रो रो के मर जा रहा, इससे होगा क्या। हमारा निवेदन है, तुम शरीर से टूट गए चलेगा, पर दिल से मत टूटो। अगर लगे कि कोई धोखा दिया है तो महादेव के चरणों में जाकर बैठना प्रारंभ करो। जाओ ना, शिव तत्व को क्यों नहीं प्राप्त कर। एक पत्र आया है, मेरा नाम सोनाली योगराज पवार, मैं अपट पुणे की रहने वाली हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं पर भी बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सोनाली योगराज पवार है, मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं अपट पुणे की रहने वाली हूँ। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूँ, कहीं बैठी हैं क्या तो हाथ हिला दो। अच्छा यहाँ है, ठीक है, हाथ हिला दो बहन। एक लोटे जल का मैं क्या बखान करूं गुरुदेव, मैं लिख नहीं सकती। बताना चाहती हूं कि मेरा भाई पवन बसंत कुमार, बसंत ठाकुर, 2019 से सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था, हर बार हार रहा था।
एक बार तो इतना डिप्रेशन में पहुंच गया कि उसको लगा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। तब मैंने मेरे भाई से पशुपतिनाथ का व्रत करवाया और कहा, भाई तो चिंता मत कर, वो सियोर वाला महाराज छाती ठोक कर कहता है कि मेरा बाबा बैठा है, तो टेंशन मत लेना। तो तू डिप्रेशन में क्यों पड़ा, एक बार फिर तैयारी कर। उसने कहा, दीदी मैं निकल नहीं पाऊंगा। मैंने कहा, पशुपतिनाथ का व्रत कर, शिव जी की स्तुति कर, अपने मन को पक्का कर, अब की बार निकलेगा ये निश्चित है। और मैंने मेरे भाई से पशुपतिनाथ का व्रत कराया। धीरे धीरे जैसे जैसे सोमवार बढ़ते गए, वैसे वैसे मेरे भाई का विल पावर बढ़ा। उसने पढ़ाई पर ध्यान दिया क्योंकि टूट गया था, डिप्रेशन तक पहुंच गया था। तब आखिरी में बाबा की ऐसी कृपा हुई, 16 मई 2023 को मेरा भाई जो रेलवे का एग्जाम दिया था, उस रेलवे के एग्जाम में निकल गया और भुसावल मध्य रेलवे में उसकी नौकरी लग गई। मैं प्रणाम करने के लिए भुसावल मध्य रेलवे में मेरी उसकी नौकरी लग गई, मैं प्रणाम करती हूँ। ये शिव तत्व है। बैठिए बहन, एक बार बात हाथ हिला दो, हर हर महादेव। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं। ये शंकर की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है। क्यों हारे, शरीर कमजोर होगा चलेगा, पर दिल मन कमजोर मत होने देना। आप बूढ़े हो गए, आपका शरीर कमजोर हो गया, आप बुजुर्ग हो गए, शरीर कमजोर हो गया, आप बीमार हो गए, शरीर कमजोर हो गया, आप शरीर से टूट गए। सब ने कहा है, मौसी जी कितनी कमजोर दिख रही हो, मामा जी कितने दुबले दिख रहे हो, उनसे कह देना ये शरीर पर मत जाना, शरीर कमजोर हुआ है। पर सियोर वाला महाराज कहता आया है, दिल मन कमजोर मत होने देना, दिल से मजबूत बने रहना, अभी और मेरी जिंदगी है, अभी और मैं जीऊंगा, अभी और मैं मेहनत करूंगा, और मैं विजेता पाऊंगा। कैसे टूट जाए हम, लोग कहेंगे तुम्हारी उम्र कितनी हो गई, 68 के करीब में है, अच्छी हो गई 68 हाउ। कोई ने कहा 70 के हो गए, कोई ने कहा 72 के हो गए, कोई कहे 80 के हो गए, फिर भी कहना चिंता मत करो, अभी तो 10-20 साल जाने वाली नहीं हूं, अभी नहीं जाऊंगी, अभी तो सियोर वाले महाराज की और कथाएं सुनूंगी टीवी खोल खोल के, अभी काहे को जाऊंगी मैं। अपने दिल को मजबूत रखो, अपने मन को मजबूत रखो। कई कई बहुएं हमसे कह देती हैं, गुरुजी ये बूढ़ी बूढ़ी माताओं को समझाते क्यों नहीं हो तुम, इन बुजुर्गों को थोड़ा समझाना चाहिए तुमको, मोबाइल लेके बैठी रहती है। और जितना तो हमको चलाना नहीं आता उतना ही बूढ़ी अम्मा को आता, तुम इनको समझाते क्यों नहीं हो कि ये मोबाइल पकड़ के बैठी रहती है, इनको तो माला पकड़ के बैठना चाहिए, तो ये मोबाइल पकड़ के बैठी रहती है। हमने कहा, री बौरानी सबसे ज्यादा खुशी तुझे होना चाहिए कि इस बुढ़ापे में तेरा पल्लू पकड़ के नहीं बैठी है, मोबाइल पकड़ कर बैठी है। तुम्हें खुशी होना चाहिए, प्रसन्नता होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, भजन में लगी है ना, मोबाइल पकड़कर भी भगवत भजन कर रही होगी, कुछ अच्छा देख रही होगी, उसका ज्ञान बढ़ेगा, उसकी विद्वत्ता बढ़ेगी, फालतू का टेंशन तो नहीं दे रही ना। पहले के जमाने में सास बहू की लड़ाई होती किस बात की थी, बुजुर्ग अवस्था बढ़ती जाती थी, सास को लगता था कि मैं जितना काम करती हूं बहू मेरे बराबर पर काम करे, बहू को लगता था मैं नई नवेली आई हूं और सास मुझे नौकरानी की तरह काम करवा रही है, लड़ाई विवाद चालू हो जाता था, घर टूट जाता था। टूटना नहीं है हम, हां मेरा माताओं से निवेदन है, अगर आप मोबाइल पकड़ते हो, जितनी देर तुम मोबाइल देखते हो उससे आधा, अगर 3 घंटा मोबाइल देखते हो तो कितना घंटा, 1.5 घंटा, जितना घंटा तुम मोबाइल देखते हो उससे आधा और आधे से भी आधा, बस
तुम भगवान का भजन कर लिया करो तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाए। बहुत है उतना। मेरे तुलसी बाबा ने लिखा, आधी में पुनियात, थोड़ा भी अगर भगवत भजन कर लिया तो जिंदगी सार्थक हो गई। हमारे शास्त्र कहते हैं 24 घंटा भगवान का भजन करो, 24 घंटा नहीं कर सकते तो 12 घंटा भगवान का भजन करो, 12 घंटा नहीं कर सकते तो 6 घंटा भगवान का भजन करो, 6 घंटा नहीं कर सकते तो 3 घंटा भगवान का भजन करो, 3 घंटा नहीं कर सकते तो 1.5 घंटा भगवान का भजन करो, 1.5 घंटा नहीं कर सकते तो कम से कम 1 घंटा भगवान का भजन करो, 1 घंटा नहीं भजन कर सकते तो आधा घंटा भजन करो, आधा घंटा नहीं कर सकते तो 15 मिनट भजन करो, 15 मिनट नहीं कर सकते तो 5 मिनट भजन करो, 5 मिनट नहीं कर सकते तो 1 मिनट भजन करो, 1 मिनट नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। शास्त्र कह रहा है 24 घंटा तुमको दिया, उसमें से थोड़ा सा निकालो, ज्यादा नहीं। हमें बहुत ज्यादा समय देना ही नहीं, ज्यादा समय नहीं देना हमें, तो थोड़ा, और तो थोड़ा भी दो तो ऐसा देना कि वो पूरे समय से ज्यादा अच्छा समय। हम कभी नहीं कहे, आज तक इस व्यासपीठ से तुम्हें कभी नहीं कहा कि तुम पूरे दिन मंदिर में जाकर बैठ जाओ, नदी के तट पर जाकर बैठ जाओ, तीर्थ में जाकर बैठ जाओ, या तुम 24 घंटे मंदिर के अंदर बैठे रहो। हमने कभी इस व्यासपीठ से नहीं कहा कि तुम 24 घंटे माला पकड़ कर बैठे रहो, तुम 24 घंटे भगवान का भजन कर, हमने कभी नहीं कहा, और कभी ना कहने वाले तुमसे कि तुम 24 घंटे भगवान का भजन करो। आपसे तो निवेदन है, आधी में पुनिया, थोड़ा करो पर अच्छा करो। एक लोटा जल महादेव को समर्पित करने के लिए जाओ तो उसमें तुम्हारा पूर्ण समर्पण होना चाहिए, उसमें तुम्हारा दिखावा नहीं। मैं आई हूं थोड़ी देर के लिए, आई हूं बाबा के पास, आई हूं अपने दिल की बात कहने के लिए आई हूं। एक क्षण के लिए भी जाओ तो पूर्ण समर्पित होगा। यहां आप लोग आए हो शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए, लाखों की संख्या में पहुंचे हो, बाहर डिवाइडर पर बैठे हो, रोडों पर बैठे हो, पंडालों में बैठे हो, बाहर पेड़ों के नीचे बैठे हो, दुकानों में बैठे हो, यहां पहुंचे हो तो तुम पूर्ण समर्पण के साथ बैठे हो, पूर्ण समर्पण के साथ। जिसका समर्पण नहीं होता वो यहां तक पहुंच ही नहीं पाता। कौन धक्के खाने आता, काय को बस में भरा कराते, क्यों गाड़ी में आते, गाड़ी इतनी दूर रोक दे, पैदल चल चल के कौन आता। तुम्हारा विश्वास दृढ़ है, तुम्हारा भरोसा पक्का है और तुम परमात्मा के होकर आए हो, इसलिए तुम कथा के पंडाल तक पहुंच गए हो, उसके होकर आए हो इसलिए पहुंचे। कौन आए, अगर आज के लोगों को मालूम हो जाए ना कि इधर कथा हो रही है और बहुत भीड़ पड़ती है तो लोग अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं, बोलो री जी जी सही है कि गलत है, चेंज करते कि नहीं करते। पर तुम एक ऐसे हो, तुम्हें मालूम है इतनी भीड़ पड़ रही है, तुम्हें मालूम है ट्रैफिक जाम हो रहा है, तुम्हें मालूम है निकलने में 2 घंटे लग जाएंगे, तुम्हें मालूम है टैक्सी मिलेगी, बस मिलेगी, कम मिलेगी पता नहीं, तुम्हें मालूम है पानी गिरेगा, तुम्हें मालूम है भीड़ बहुत होगी, तुम्हें मालूम है कीचड़ भी पड़ रहा है, तुम्हें सब मालूम है, उसके बाद भी तुमने अपना रास्ता चेंज नहीं करा, उस रास्ते पर चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। 7 दिन तक इस भीड़ के रास्ते पर चलते चलते महादेव की कथा तक पहुंचे हो। जब तुमने अपनी मंजिल नहीं छोड़ी तो परमात्मा भी तुम्हारी मंजिल नहीं छोड़ेगा, ये निश्चित है। क्यों छोड़े वो, तुम अपनी मंजिल नहीं छोड़ते तो वो कैसे छोड़ सकता। रास्ता वही चेंज करते हैं जिनको अपने आप पर भरोसा नहीं होता। तुम्हें भरोसा था मैं जाऊंगी, ट्रैफिक कितना भी हो कैसा भी हो मैं कथा में पहुंचूंगी, ये पक्का, तूने अपना भरोसा पक्का रखा इसलिए पहुंच गई। और कितनी बुजुर्ग बुजुर्ग माता बैठी हैं, है? कितनी जो 55 से ऊपर हैं, जरा हाथ उठाना, उठाओ जरा, बहुत सारे हो रहे, धरलो 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 धरलो। और जो 35 से नीचे हो, 35 से जो नीचे हो, हाथ उठाओ जरा, बहुत हो, रख लो रख लो, धर लो, भगवान भला करे तुम सबका। अब जे 55 से ऊपर वाली
इतनी अवस्था में तो बहुएं भी कह देती हैं, मम्मी क्या करोगी जाके तुम इतनी भीड़ में, क्या करोगी? पर तुमने अपना भरोसा नहीं तोड़ा, तुमने विश्वास पक्का रखा, इसलिए यहाँ तक पहुँच गए। अपने भरोसे को जो दृढ़ी रखता है, अपनी मंजिल को जो नहीं छोड़ता, घूम फिर के भी जाऊँगा तो मंजिल तक जाऊँगा, अगर इस रास्ते में बस अड़ गई तो उधर से ऑटो लेकर निकल जाऊंगी, उधर से अड़ गई तो उधर से निकल जाऊंगी। चार पांच गेट बने हैं कथा के पंडाल में जाने के लिए, एक गेट से नहीं जाने देगा, दूसरे से जाऊंगी, दूसरे से नहीं जाने देगा, तीसरे से जाऊंगी, पर अपनी मंजिल पर पहुंचूंगी जरूर, ये निश्चित है। आप दृढ़ी बन गए, आपका भरोसा पक्का हो गया तो आप मंजिल तक पहुंच गए, और यही भरोसा यही दृढ़ता तुम्हें आखिरी तक चाहिए, अंतिम सांस तक इस भरोसे को मत तोड़ना, इस दृढ़ता को मत तोड़ना। अंतिम सांस, और जब अंतिम सांस तक भी अगर तुम लड़ते रहे तो अपनी मंजिल निश्चित है। कहे बड़ी दूर किनारा है, पुरानी है, भोले बाबा भी हो जाए तो ये नहीं सोचना कि अब तो परमात्मा के पास जाना है। कई माताएं कहती अब तो मर जाऊं तो अच्छा, अब तो भगवान उठा ले तो अच्छा, अब तो भगवान ले जाए तो अच्छा। एक बूढ़ी आ थी, लकड़ी का काम करती थी, लकड़ी बीन के सिर पे रख कर बेचने जाती थी, बहुत थक जाती थी। जब जब थकती थी तब तब कहती थी भगवान अब तो तू उठा ले, मैं बहुत परेशान हो गई, उठा ले। एक दिन शंकर जी से पार्वती जी ने कहा, ये रोज रोज कहती है उठा ले उठा ले, तुम जाते क्यों नहीं हो उठाने के लिए? शंकर भगवान बोले अब की बार बोलेगी तो उठा लाऊंगा। बुढ़िया ने फिर कहा, मैं बहुत परेशान हो गई, अब मुझसे बनता नहीं, तू तो उठा ले। भगवान भोलेनाथ जी आ गए और उन्होंने कहा, चल मैं तुझे उठाने को आया हूँ। इतने में बुढ़िया बोली, मैं मेरी नहीं बोल रही थी, मैं तो कह रही थी लकड़ी का गट्ठा उठा ले। तुम इतने से मैं टूट गए? कोई कहता है मेरा पति चले गया तो मैं बहुत टूट गई, कोई कहती है मेरी पत्नी चली गई तो मैं टूट गई, कोई कहे मेरे साथ में ये घटना घट गई तो मैं टूट गया, कोई कहता है मेरे साथ ये घटना घट गई तो मैं टूट गया, कोई कहे हम काम करते हैं पर फल नहीं मिलता तो मैं टूट गया। अरे मरते दम तक भी मत टूटो, बल तैयार रखो। कभी मत कहो कि अब तो भगवान उठा ले, बल्कि ये कहो कि अभी और जिंदा रहूंगी, भगवान भोलेनाथ को पृथ्वी पर बुला के रहूंगी, ये बल चाहिए। ये बल अपने भीतर उत्पन्न करो ना। वो क्या कहते हैं, बुड्ढा तेरा, वो एक एक किसी ने कहा है बुड्ढा तेरा, कि हम कहां बुड्ढे हुए? और शंकर का भक्त, शिव का उपासक मरने से भी नहीं डरता,
मौत को शिव का भक्त तो साथ लेकर चलता है, इसलिए साथ लेकर चलता है, शंकर का भक्त खुश होकर चलता है कि जिस दिन मर भी जाऊंगा उस दिन अगर ये चिता पर मेरी ये शरीर जल भी जाएगा तो भस्म तैयार हो जाएगी और वो भस्म शिव संभालेगा, इसलिए मुझे मरने से डर भी नहीं लगता, मृत्यु से क्या भय। थोड़ा सा दुख आया, रस्सी लाए टंगल, थोड़ा सा दुख आया गोली लाए मर गए, थोड़ा सा दुख आया बस के नीचे ट्रेन के नीचे मर गए। हम कह रहे हैं ये तो ओल्ड फैशन है मरने का, कोई नई डिजाइन लाओ। रोज रोज रोटी खाओगे तो कहोगे एक आध दिन तो पिज्जा चाहिए, एक आध दिन तो इडली सांभर या पूरण पोली चाहिए, आमटी और मिर्ची का ठेसा, रोज रोज एक जैसा। तो सब वो कहे वो मर गया रस्सी से बंध कर, वो कहे उसने सुसाइड कर लिया, पढ़ाई में नहीं हुआ तो वो मर गया, उसने उसके चक्कर में मर गया उसके। अरे कोई नया फैशन लाओ, मरो मरो सब कोई कहे मर के देखे कोई, मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार सागर में जन्म ना हो। अगर मरना ही है और तुम्हें लग रहा है मैं दुखी हो गया मरना है तो फिर एक काम करो, अब मेरे को मरना है पर रस्सी से नहीं मरूंगा, गोली से नहीं मरूंगा, ट्रेन में नहीं, पानी में नहीं, कहीं नहीं मरूंगा, अब एक ही काम करूंगा, शंकर जी के मंदिर में रोज लोटा भर के जल चढ़ाऊंगा, शंकर भगवान को चिढ़ाऊंगा कि मैं मर भी नहीं रहा, तेरे ही दरवाजे आ रहा हूं, तू या तो संभाल ले या तो फिर। अब शंकर जी के मंदिर में रोज जाएगा तो भोलेनाथ भी कहेंगे तुझे इतनी जल्दी मरने नहीं दूंगा क्योंकि मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं, कहां मरने देगा, कार्य करेगा। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो। क्यों मरना, किस लिए मरना, हमें नहीं मरना, क्यों मरना। कोई कितना ही कहे हमें नहीं मरना, बिल्कुल दो तीन चीजें तो बिल्कुल पकड़ लो तुम जी जियो। मैं तुम्हारा निवेदन करूं तुम लोगों से, बिल्कुल सब भाई बहनों से निवेदन, बिल्कुल पकड़ लो इस चीज के, हमें चाहे कुछ भी हो जाए नहीं मरना। क्या है, अखबार खोलो तो न्यूज पढ़ने में आती है एक पति ने अपने बच्चों को, एक पत्नी ने अपने बच्चों को जहर दे दिया, वो मर गई, वो मर गए। क्या हुआ उससे, तुम्हारे परिवार वालों को कोई फर्क पड़ा तुम्हारे मरने से? दुख आता है ना तो राह दिखाता है, तकलीफ आती है ना राह दिखाती है, कष्ट आता है ना राह दिखाती है। जब तक तपोगे नहीं तब तक निखरोगे नहीं। सोने के भी जेवर तपकर बनते हैं, सोने की कीमत में और जेवर की कीमत में अंतर हो जाता है। सोने सोना अगर जितना रुपया भी तोला है पर उसका जो जेवर बन जाएगा तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी क्योंकि उसमें कारीगरी करी गई है। तुम्हें अगर तपाया गया है, तुम्हें अगर दुख दिया गया है, तुम्हें अगर कष्ट दिया गया है तो तैयारी रखना तुम कीमती जेवर बनने वाले हो जो परमात्मा तुम्हारे साथ में। क्यों मरना, किस लिए? दो चीजें पकड़ के रखो, कितना भी दुख हो नहीं मरना, जा। कर्जा भी हो गया ना नहीं मरूं, जा। और अगर लड़ाई हो जाए तो मेरी जीजियों से निवेदन है कभी लड़कर मायके मत जाना, छाती पे मुंह तलो वहीं रहो, नहीं जाऊंगी। घर के लोग कितने ही कहते जा अपने बाप के घर, नहीं जाऊंगी। जितना झगड़ा हो उतना चने की दाल गराओ, पूरण पोली बनाओ, खा, नहीं जाऊंगी।
और अगर वो ज्यादा बोले कि तू जा तो साथ में आमठी भी तैयार करो, नीचे जा। और ज्यादा गुस्सा आए तो मिर्ची को कूट के ठेसा बना लो, पर बच्चा नीचे जा। कहे कहे तो जा अपने बाप के घर, जा अपने पिता के घर, नहीं जाऊंगी जा। मेरी माताओं से निवेदन, आज घर जो टूट रहे हैं ना इसी बात के, तुम चले जाती हो मायके, मायके वाले तुमसे कह देते हैं अब मत जाना, कभी भी मत जा। अब हम उनको अदालत में देखेंगे, इसमें देखेंगे, उसमें देखेंगे। और बेटा और बेटी का घर टूट गया, वो अदालत में खड़े हैं, वो अदालत में पहुंच रहे हैं, अदालत में एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, इधर से ये भड़का रहा है, उधर से वो भड़का रहा है, मत जा, वही छाती पे रहे, नहीं जाऊंगी जा। ये 20 साल अगर दारू पिया होगा तो इसमें पत्र में लिखा है जो बात तो हमने बोली नहीं है, जो पत्र में लिखी वो बात तो बोली नहीं कि कितना बकते होंगे, कितने बोलते होंगे, कितने कहते होंगे, कितने 20 साल में कितना सहन करा होगा, जरा विचार करिएगा, हमने वो बात बोली नहीं है, कितना सहन करा होगा। रहो, संभालने का थोड़ा प्रयास करो, और जिस दिन तुम संभालना सीख गए सफलता इश्क से नहीं मिलती है, सफलता रिस्क से मिलती है। अगर इश्क से सफलता मिल जाती तो बात दूसरी थी, सफलता तो रिस्क लेते हैं जब हम कंपटीशन में उतरते हैं, दुनिया का दबाव पड़ता है, टेंशन आती है, बहुत चिंताएं आती हैं, तब सफलता मिलती है। इश्क करने से सफलता नहीं मिलती, रिस्क लेने से सफलता मिलती। बल्लाल के गांव के लोग सेठ जी के पास जाकर बोले, तुम्हारा बेटा खुद भी नहीं पढ़ता और हमारे बच्चों को भी नहीं पढ़ने देता। गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति बनाता है, शंकर जी का शिवलिंग बनाता है, जमीन पर बनाकर बैठ जाता है, पेड़ों की पत्ती तोड़कर चढ़ा देता है और सबको कहता है कि गणेश जी का भजन करो, शंकर जी की पूजन करो। तुम्हारा बेटा इतना बेकार है कि वो दूसरे को भी नहीं पढ़ने दे और खुद भी नहीं पढ़े, वो दूसरे को भी विद्या अध्ययन नहीं करने दे और खुद भी ना करे। तो पिता को क्रोध आया, मां को तो मालूम ही नहीं कि पति जा रहा है मेरे बेटे के पास, और पिता दौड़ कर गया। आज बेटे को देखा कि यहां मूर्ति की पूजन कर रहा, गणेश जी की मूर्ति उठाकर फेंक दी, शिव जी की मूर्ति उठाकर फेंक दी, बेटे को पेड़ से बांध दिया, 2-3 दिन भूखा रहेगा, सब ठिकाने लग जाएगा। कब तक गांव वालों के ताने सुनूंगा मैं, कब तक श्रवण करूंगा मैं, कब तक सुनूंगा मैं। मूर्ति को फेंक दिया गया और बेटे को पेड़ से बांध दिया। शाम होने लगी, सेठानी को अपने बेटे की याद आई। बल्लालेश्वर तीसरे नंबर के विनायक हैं, अष्ट विनायक में तीसरे। सेठानी को अपने पुत्र की याद आती है और सेठानी को जब पुत्र की याद आई तो उसने अपने पति से, सेठ जी से कहा, सुनो जी स्वामी, मेरा बेटा नहीं दिख रहा, मेरा बेटा ना जाने कहां चले गया, ढूंढ रही हूं मिल नहीं रहा, वो विद्यालय से भी नहीं आया, वो ना जाने कहां रह गया, गुरु घर पूछ के आई हूं, गुरु घर पर भी नहीं मिला, मेरा बेटा कहां, मेरा पुत्र कहां। सेठ अपनी पत्नी को यह नहीं बता रहा कि मैं उसको पेड़ से बांध कर आ गया हूं। शाम हो गई, मध्य रात्रि हो गई, पूरी रात निकल गई, सुबह हो गई, सेठानी को नींद ना आई क्योंकि मेरा पुत्र ना जाने कहां गया है। अब एक बात बताओ आप, एक मां को बेटे की जितनी चिंता होती है उतनी ही चिंता, उतनी ही बेचैनी उस परमात्मा को भी अपने भक्त की होती है।
उतनी चिंता, उतनी बेचैनी। उस परमात्मा को भी होती है अपने भक्त की, होती है। मिलन की आश उस परमात्मा को भी होती है, मिलन की आस उस परमात्मा को भी। तो कैसे मिले मेरा वो भक्त? मां जितनी बेचैन हो रही है अपने पुत्र से मिलने के लिए, एक रात हो गई, रात बड़ी भारी निकलती है जब बेटा नहीं दिखे, छोटा सा बेटा, मात्र 8 वर्ष की आयु जिसकी, और वो बेटा ना दिखे तो मां की हालत क्या हो। पिता चैन से सो रहा है क्योंकि उसको मालूम है मैं बांध कर आया, उसको मालूम है मैंने पेड़ से बांधा, पर मां मां। अभी छिंदवाड़ा की कथा में आपको कहा था, यहां सबको है अपनी पड़ी, भजन कर ले घड़ी को, यहां सबको है अपनी पड़ी, भजन कर ले घड़ी को, इन नैनों का होना भी क्या, इन नैनों का होना भी क्या, जिन नैनों से, जिन आंखों से हमने भगवान का दर्शन ही नहीं किया तो उन नैनों से क्या। मिले जो समय मां बेचैन, पिता को मालूम था मैं पेड़ से बांध कर आया हूं, पूरा रात, सुबह हो गई, आज मां किससे कहे कि मेरा बेटा नहीं मिलता, मेरा बल्लाल नहीं मिल रहा, मेरा बेटा नहीं मिल रहा। ढूंढते ढूंढते मां थक गई, तब उस मां ने जो पहले करती थी आज वो किया, शिवलिंग का निर्माण, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर गणेश जी की मट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी पूजन के लिए बैठ गई, और जो बैठी और बस विनय करा, मेरे बाबा आपका बेटा चले गया था तो आप लेकर आए थे, षडानंद कार्ती के चले गया था श्री सेलम पर तो आप लेकर आए थे, गणेश का सिर कट गया था तो आप लेकर आए थे, बाबा अब मैं किससे कहूं, आपके बेटे को आप लेकर आए हो तो आपका बेटा मेरे बेटे को लेकर आएगा, ये मेरा भरोसा कहता है, ये मेरा भरोसा कहता है, ये मेरा विश्वास कहता है, ये मेरी दृढ़ता कहती है। वो साध सकता है। पिता बेटे को इतना बोल्ड बनाए कि जब घर में बहुत बहुत ध्यान देना, पिता अपनी बहन को कुछ दे रहा है कि नहीं दे रहा उससे मतलब नहीं, पर भतीजे जो हों वो भतीजे ऐसे ऐसे मेहनत करने वाले हों, जब बुआ आए तो भतीजे शान से अपने घर में अपनी माँ से कह सके, मम्मी राखी पे बुआ आने वाली है, उसको 2 साड़ी देना, एक पिता की तरफ से, भतीजे की तरफ से। अब उसका भतीजा भी कमा रहा है, अब मैं भी कमा रहा हूं, देव बुआ आई है उसको देना। पिता से ज्यादा भतीजे का फर्ज बनता है कि अपनी बुआ को कुछ दे। वो तो दुनिया के लोगों ने बुआ का नाम बदनाम कर दिया, प्रहलाद की जो बुआ थी उसने दुनिया के लोगों ने कहानी गलत कर दी,
पूरी कहानी गलत बताई है। अगर दुनिया के लोग सही कहानी बताते तो भतीजा और बुआ का संबंध खराब नहीं होता। कहानी गलत थी ना। लोगों ने कहा, हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन से कहा, बहन तू अपने भतीजे को गोदी में रख कर बैठ जा और चादर ओढ़ कर बैठ जाना, तू बच जाएगी, तेरा भतीजा जल जाएगा। तो बुआ भतीजे को जलाने के लिए गोदी में लेकर बैठी। बोलो सही है कि गलत है? लोगों ने कहानी गलत बताई। होली का लोगों ने कहा उसने अपने भतीजे को जलाया। पहले तो होलिका का नाम तो निकालो कि होलिका का नाम क्या है। कथा वालों ने कह दिया, हिरण्यकशिपु की बहन थी होलिका, वो अपने भतीजे प्रहलाद को गोदी में लेकर बैठ गई, वो प्रहलाद को हाथी के पांव के नीचे डाला, खोलते तेल में डाला, अग्नि में डाला, इसमें डाला, उसमें डाला, नहीं मरा। आखिरी में अपनी बहन से कहा, होलिका तो अपने भतीजे को गोदी में लेकर बैठ जा, पहले उस होलिका का असली नाम तो लाओ, जिस होलिका का नाम विष्णु पुराण में डूंडा लिखा है। क्या नाम लिखा है? डूंडा। होलिका का असली नाम लिखा है विष्णु पुराण में डूंडा। इसलिए आज भी होली में लकड़ी नहीं जलाई जाती, मोटे मोटे डूंड जलाए जाते हैं, क्योंकि उसका नाम डूंडा है। और डूंडा बैठी अग्नि में, भतीजे को गोदी में लेकर बैठ गई। उसके पास में एक ब्रह्मा जी की चादर थी, जिसको ओढ़ कर बैठ जाती थी तो आगी में जल नहीं सकती थी। डूंडा ने देखा चारों तरफ से आगी लग गई, मेरा भतीजा जल जाएगा। तो बुआ को लगा मेरा भतीजा जल जाएगा। बुआ वो होती है जो दुआ देती है, बुआ कभी बद्दुआ नहीं देती है। और डूंडा ने अपनी चादर को उतारा, आगी चारों तरफ से लग गई, बुआ को लगा मेरा भतीजा जल जाएगा, तो अपनी चादर उतार कर अपने भतीजे पे डाल दी और बुआ खुद जल गई पर अपने भतीजे को नहीं जलने दिया। ये कथा है, पर लोगों ने उसको पूरी पलट दिया, पूरा पलट। बुआ कब जलाई अपने भतीजे को? आप में से इतनी सारी बुआ बैठी हैं, कभी अपने भतीजे को अपशब्द कहा, कभी अपने भतीजे को श्राप दिया, कभी अपने भतीजे को बद्दुआ दी? नहीं, जब भी बोलती हो मेरा भतीजा खूब फले फूले, भगवान कृपा करे, मेरे भाई जैसा नाम कमाए, मेरा भैया कितना नाम कमाता वैसा मेरा भतीजा नाम कमाए। तो भतीजे को चाहिए जब बुआ घर में आए तो अपने मम्मी पापा से कहना, पापा मम्मी दो साड़ी देना, क्योंकि अब मेरी नौकरी लग गई है, मैं कमाने लगा हूं, मैं कमा रहा हूं, इसलिए मम्मी एक काम करना, एक साड़ी पापा देंगे अपनी बहन को और एक मैं दूंगा अपनी बुआ को। तो मम्मी कहेगी तू अपनी बहन को देना, बुआ को क्यों दे रहा है? तो कह देना अगर आज मैं दूंगा तो उसके भी भतीजे उसको देंगे, यह हमारे यहां क्रम चालू होना चाहिए। पर करे क्या, चार भाई एक साड़ी, बहन को जब देते हैं पैक करके, पूरी पैकिंग, अच्छी बढ़िया वाली साड़ी, अगर ढीली ढीली दिखे तो उसमें कपड़ा भी फंसा दे, कागज और पैकिंग करके, और चार भाई एक साड़ी, चारों भाई राखी बनवाने के बाद ऐसे हाथ लगा के देते हैं जैसे पूरे पुणे की प्रॉपर्टी दे रहे हैं, पूरे पुणे की। अब किसी ने पूछा कि क्यों रे चारों भाइयों ने मिलके एक साड़ी दी? अभी हम एक ही तो घर में रहते हैं, सब एक हैं, तो एक काम करा करो, एक थाली खाने की लगाओ, एक भाई खाना खाए, बाकी के सब टच करके बैठ जाओ, एक ही जगह तो रह रहे हो, एक ही थाली में का, तुम्हारे टच करने से चार भाई का एक साड़ी में हिस्सा हो गया, तो तुम्हारा समोसा तुम खाओ, बाकी के तीन भाई टच करके बैठे, पेट नहीं भरा है। अपने को क्या करना, अपन तो अपनी साड़ी ओढ़ो दादा, अब करो क्या, उसको चित्त क्या, विचार करिए जरा, भरोसा अपने भतीजा का है, नहीं देव बहन बेटी को देने से कभी घटता नहीं है।
कभी नहीं घटेगा, जिंदगी भर नहीं घटेगा। क्या घट रहा है? शिव को दिया कभी नहीं घटता, संत को दिया कभी नहीं घटता, और बहन बेटी को दिया, गौ माता को दिया कभी नहीं घटता, कभी नहीं घटता। अभी हम कल की बात है, हम यहाँ पर जहाँ ठहरे हैं वहाँ पर बहुत सुंदर पर्यावरण है, बहुत सुंदर पेड़ पौधे लगे, तो हमने विजय भाऊ से कहा, अब शंकर भाऊ से तो मिलना होता नहीं ज्यादा, तो विजय भाऊ पकड़ाई में आ जाते, शंकर भाऊ तुम्हारी सेवा में लगे रहते हैं, विजय भाऊ हमारी सेवा में लगे रहते। अब और वो लक्ष्मण भाऊ के जितने बच्चे हैं वो भी तुम्हारी सेवा में लगे रहते, तो फुर्सत। अब वो विजय भाऊ से हमने कहा, भाऊ ये तुम्हारे यहाँ पेड़ पौधे बहुत अच्छे लगे हैं, और हमने सुना है कि तुम पेड़ पौधे बहुत अच्छे लगाते हो, तो एक काम करो ना, कुबेर भंडारी ने तुमको बुलाया है कुबेरेश्वर धाम, थोड़े पेड़ पौधे वहां भी ना लगा दोगे? कुबेरेश्वर बाबा सेवा कम देता है, पर देता है तो दम से देता है। तो हमने उनसे कहा, तुम यहाँ पेड़ पौधे लगाते हो, थोड़ा कुबेर भंडारी पर भी आओ, कुबेरेश्वर धाम बाबा के धाम, वहाँ पर भी थोड़े अच्छे बड़े बड़े पेड़ लगाओ, बेलपत्री के लगाओ, बाबा को सुंदर आनंद आए। छोटा मोटा अब इतने बड़े बड़े पौधे लगा देते हैं तो वो जो माता कंकर शंकर की पूजन करने आती वो पेड़ पौधा ही उठा के ले जाती। हमने उनसे कहा कम से कम 15-15-20-20 फीट का पेड़ लेकर आओ, और कम से कम कुबेरेश्वर धाम पर लगा, थोड़ा बड़ा तो लगाओ। अब वहां पर जो वृक्षारोपण करने आते हैं वो उसी में कहा ले, जैसे एक नेताजी एक बगीचे में पौधा लगा के जाते हैं, तीसरे दिन बकरी छार जाती। तो करो क्या इतना छोटा सा पौधा का, बड़े बड़े लाओ। तो तुम लगा सकते हो कि मां पनपे थोड़ा, थोड़े दिन अपने घर पे उसको बड़ा करो। तो विजय भाऊ बोले, गुरुजी आप चिंता मत करो, बाबा ने अगर बुलाया है कुबेर भंडारी ने, तो मेरा भाऊ लक्ष्मण भाऊ उसका भी एक आनंद होगा, और कुबेर भंडारी के बगीचे में हम भी पौधे लगाएंगे। ये बाबा की आनंद था, शंकर भाऊ विजय भाऊ हम तो यही कहेंगे, मिले सेवा करो दिल से। बहन बेटी को दिया घटता नहीं, गौ माता को दिया घटता नहीं, संत सन्यासी को दिया घटता नहीं, और अपने माता पिता को दिया कभी नहीं घटता, क्योंकि माता पिता मरने के बाद तुझे ही देकर चले जाते हैं, तुझे स्वयं देकर जाएंगे। क्या एक रात पूरी हो गई, मां बेचैन हो गई, जितनी मां बेचैन होती है उतना भगवान बेचैन होता है। कह दिया माने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर, पार्थिव गणेश का निर्माण कर, प्रार्थना कर कहा, शंकर भगवान आप अपने पुत्र को लाए थे और आपका पुत्र मेरे पुत्र को लाएगा, जवाबदारी आपके पुत्र की है, जवाबदारी आपके बेटे की है। जब बेटों पर जवाबदारी आती है तो फिर वो जवाबदारी बड़ी प्रबल होती है, बड़ी प्रबल। शिवलिंग बना लिया, गणेश बना लिए, पूजन में लग गई, सेठ आया, सेठ ने आकर अपनी पत्नी सेठानी से कहा, मुख से कहा, तेरा बेटा भी यही करता था, तेरा बेटा यही काम करता था, और तू भी यही कर रही। ये माता के गर्भ के संस्कार है, ये हमारे संस्कार हमारे बच्चों में आते हैं। बहुत ध्यान देना, समझने वाली बात है, शुगर की बीमारी पिता को है तो बेटे को भी होगी, और बोलो जम के बेटी को भी होगी, बोलो सही है कि गलत है? डॉक्टर के पास दिखाने जाओगे तो पूछ लेगा, क्यों तुम्हारे यहां किसी को शुगर थी क्या, तुम्हारे यहां किसी को बीपी था, तुम्हारे यहां किसी को ये बीमारी थी? डॉक्टर पूछता है, बीमारी के लक्षण, बीमारी का थोड़ा थोड़ा लक्षण अपने वंश में चला आता है। अगर पिता को शुगर थी, दादा को शुगर थी, तो बच्चों में धीरे धीरे वो आएगी, आती है, वो ब्लड की बीमारी है। अगर शुगर
तुम्हारे पोते तक आ सकती है तो शंकर का भजन भी तुम्हारे पोते तक आना चाहिए। शुगर अगर तुम्हारी बेटी तक जा सकती है, नाती पंती तक जा सकती है, तो भगवान का भजन भी नाती और पंती तक जाना चाहिए। ये ब्लड के अनुसार चलना चाहिए। वक्त बदले बदल जाने दो, पर खून नहीं बदलना चाहिए, सनातन धर्म का रहना चाहिए। यह कैसे बदल जाए? अपना रक्त नहीं बदलना चाहिए। लोग कहते हैं अरे तुम्हारे सनातन धर्म में, तुम्हारे हिंदू धर्म में, तुम्हारे सनातन धर्म में क्या रखा है, जबरदस्ती के ढोंग प्रपंच लगा कर बैठे हो, काय क्या रखा है सनातन धर्म में? उनसे कह देना झूठा खा लूंगा पर किसी दूसरे धर्म में नहीं जाऊंगा, अपने धर्म को महान बनाऊंगा, सनातन धर्म की श्रेष्ठता पाऊंगा, नहीं भटकूंगा। क्यों भटकूं? दूसरे धर्म के लोगों के लिए बहुत सारे देश हैं, दूसरे धर्म के लोगों के लिए बहुत सारे देश हैं, बहुत देश, पर मेरे भारतीयों के लिए, मेरे सनातनियों के लिए कोई बहुत सारे देश नहीं है, केवल एक भारत देश है। और ये बचा लिया तो बच, केवल एक। अगर दूसरे धर्म के लोग अगर यहां से चले भी जाएंगे तो दूसरे देश में पहुंच जाएंगे, क्योंकि उनके देश बसे हुए हैं, उनके देश, उनके धर्म के देश बसे हैं। पर कोई भारतीय देश, कोई भारतीय देश एक आध बता दो, एक आध देश का नाम बता दो जो भारतीय हो, जो सनातनी हो, सनातनियों के लिए, भारतीयों के लिए केवल एक देश, और ये भारत देश, इसके सिवा कुछ नहीं। कहां आ जाओ? अपना घर छोड़कर कहां जाओगे? इसी में रहना। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है, हर एक में परमात्मा समाया। ये केवल एक भारत ही तो ऐसा है, केवल भारत, यहां पत्थर को भी प्राण दिया जाता है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा करी जाती है, वो भारत के सिवा कहीं नहीं होता। पत्थर को भी प्राण दिया जाता है, वो भारत के सिवा कहीं नहीं होता। बाजार में जाओगे, गणेश जी की मूर्ति मिल रही है, मिल रही कि नहीं मिल रही? अरे बोलो जम के जरा। बाजार में जाओगे, गणेश जी की मूर्ति मिल रही है, खड़े हो जाओगे, माताएं खड़ी हो जाएगी, क्यों? वो गणेश कितने का है? 551 रुपए का। ओ इतना बड़ा तुमने अभी आगे देखा था, वो तो 351 में दे रहा था। हम भगवान को नहीं खरीद रहे हैं अभी, हम केवल मूर्ति को, केवल जिस व्यक्ति ने उसका निर्माण करा, हम केवल उस मूर्ति को खरीद रहे हैं, हम अभी भगवान को नहीं खरीद रहे हैं। 500 में क्या भगवान मिल जाएगा? 300 में क्या भगवान मिल जाएगा? 400 रुपए में क्या भगवान मिल जाएगा? 200 रुपए में क्या भगवान मिल जाएगा? इतनी सारी मूर्तियां गणेश जी की मिल रही हैं, इतनी सारी मूर्तियां गणेश जी की बिक रही हैं, हम भगवान को नहीं खरीद रहे, हम तो केवल मूर्ति खरीद रहे हैं। भगवान तो तब होगा जब हम उसको खरीद कर घर में लाएंगे, स्वस्तिक बनाकर बिठा कर पूजा करेंगे, उसमें हम प्राण देंगे 10 दिन के लिए, तो वो प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। ये गुण केवल भारतवासियों को आता है, ये गुण केवल भारत वालों को आता है, इसके सिवा किसी को नहीं आता। कोई देश ऐसा नहीं है जो पत्थर में प्राण दे दे, पर भारत ऐसा है जो पत्थर में भी प्राण दे देता है, वो भारतीय है, पत्थर में प्राण देता है। और 10 दिन हम गणेश जी महाराज की आराधना, पूजन, अर्चना खूब दिल से करते हैं, और ये वो भारत है जब गणेश जी की वो, फिर जो 200 रुपए की मूर्ति तुम आंक रहे थे, वो जब जाता है तो आंख में आंसू आता है। इसी को प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं, इसी को सनातन धर्म कहते हैं। ये सनातन धर्म जब वो जाता है तो दिल रोता है, बाबा, ओ बाबा, गणेश जी, गणपति बब्बा, मोरिया ऊर्जा वर्षी, कब आओगे वापिस? फिर दिल रोता है, 10 दिन में बच्चे रोते, परिवार रोता, कहां ले जा रहे? विसर्जन, विसर्जन।
प्राण दे दिए। ये भारत का मूल तत्व है। इसीलिए शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का संवाद है, ओगड़दानी का सुंदर भाव कह रहा है, शिव तत्व। और जब बल्लाल की मां ने मांगा, गणेश जी महाराज पहुंचे। विश्वास दृढ़ी था ना। अब ये नहीं कहा कि शंकर जी तुम जाना, तुम्हारा बेटा मेरा बेटे को लाएगा, तुम्हारा बेटा मेरे बेटे को लाएगा, और मेरा बेटा नहीं है वो भी तुम्हारा ही है। अभी तक हमने अपने संबंध बना कर रखे, आप अपने संबंध छोड़कर परमात्मा का संबंध बनाइए। रिश्तेदारी अच्छी रखोगे तो कोई भी मिल लेगा, कोई भी। तुम्हारी पहचान ही नहीं है। तुम्हारी पहचान नहीं, अच्छी पहचान तो बनाओ पहले। विधायक जी के यहां गए, आमदार के यहां गए, खासदार के यहां गए, और तुमने जाकर कहा जरा खासदार जी से बोल दो ना, अरे जरा आमदार जी से बोल दो ना, सांसद जी से बोल दो ना, मंत्री जी से बोल दो ना, बिमला भाई आइए बोलो ना। इतने में तो दरवाजे पर खड़ा हुआ द्वारपाल भगा देगा, चल इधर, बिमला भाई आइए वहां, चल जाओ यहां से। और तुमने जाकर कह दिया, आमदार से कहो, खासदार से कहो, मंत्री जी से कहो, बिमला आइए, उनकी मौसी, जाओ बोल के आओ। और अंदर सूचना गई, तुम्हारी मौसी है कोई बिमला, जलगांव में रहती है, हाओ आई है, बुलाओ। अंदर खासदार मंत्री जी के, अरे अंदर लाओ, जल्दी लाओ, मेरी मौसी है, अंदर बुलाओ उसको, बुलाओ। तुमने कह दिया मौसी आई है तो तुरंत अंदर लिया, तुमने कहा केवल बिमला आई है, दरवाजे से भगा दिया। भगवान शंकर से तुम ऐसा संबंध बनाना, तुम्हारी रिश्तेदारी ऐसी बनाना कि जैसे यमराज आए और इतने में तुम्हारे मुख से निकल जाए, बुलाओ, कह दो भोलेनाथ जी को, कह दो यमराज को, किसको लेने आया है, किसको, तो कह तुझे लेने आया हूं, जा पहले शंकर भगवान से पूछ किया, मेरा संबंध क्या है, रिश्तेदारी क्या है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा, क्या बिगड़ेगा। इसीलिए ऐसा डमरू बजाया, शिव तत्व की प्राप्ति हो तेरे डमरू की धुन सुन के, मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे मैं काशी नगरी आई हूँ, 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 मैं काशी, आओ से मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ, मेरे भोले ओ बम भोले,
मेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ।
सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आती हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ।
सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले, उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरिया हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरिया हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरिया हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरिया हूँ। मैं काशी नगरिया हूँ, मैं काशी नगरिया। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात कहिए, भाव से दिल से बाबा से प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठो, कार्यकर्ता भी जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बोलो, कीचड़ हो रहा हो तो खड़े खड़े बोलो, पर बाबा से प्रार्थना दिल से करिए, हृदय से कहिए। आज गणेश चतुर्थी भी है, भादो का महीना भी है और अष्ट विनायक शिव महापुराण की कथा भी चल रही है, तो दिल से बाबा से प्रार्थना करें। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कह रही है, बल्लाल को ढूंढने के लिए माँ ने जो प्रयास किया, बाद में शिव की शरणागति ली। बल्लाल को ढूंढने के लिए श्री गणेश जी महाराज पहुंचे और गणेश जी ने जाकर वृक्ष से उसको खोला। खोलते से ही गणेश जी महाराज जो सामने आए, बल्लाल से पूछा, तुझे तेरी माता ढूंढ रही है और तू यहां पर है? कहा, मेरे पिता मुझे बांध कर गए, संसार के बंधन में लोग बांध देते हैं और मेरे गणेश जी महाराज बंधन से मुक्त कर देते हैं। बंधन से मुक्त किया। भगवान
गणेश जी ने पूछा, मांग तुझे क्या चाहिए? क्या मांगू, मेरी मिट्टी की मूर्ति को तोड़ दिया है। भगवान गणेश कहते हैं, मैं स्वयं मूर्ति के रूप में विराजमान होऊंगा और मेरा नाम यहां बल्लालेश्वर विनायक के रूप में विराजित होगा। जो बंधन में मुक्त हो, जो बंधन में बंधा हुआ हो, बंधन में लगा हुआ हो, उसे बंधन से मुक्त होना है तो बल्लालेश्वर विनायक का दर्शन करना चाहिए। अष्ट विनायक में तीसरे नंबर के विनायक है बल्लालेश्वर। चौथे नंबर पर वरद विनायक आ जाते हैं, जो दिन रात अपना द्वार खोलकर वरदान देते रहे, दिन रात। और महाराज एक ऐसे राजा जिनके घर में संतान का सुख नहीं है, जब हर तरह से व्यक्ति हारे तो परमात्मा की शरणागति क्यों नहीं जाता। एक पत्र एक बेटी ने लिखा है, मेरा नाम कांचन विजय चौहान है, पिपले गुक से आए हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती है, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती है। मेरा नाम कंचन, आप ही हैं, हाँ एक बार हाथ हिला दीजिए। मेरा नाम कंचन विजय चौहान है, मैं पिपले गुक से आई हूं। मैं पिपले गुरव, तुम समझ गए ना, मुंह ले तुम्हारा समझ ना हो, फिर भी बाबा की कृपा, पिपले गुरव से आए, ठीक है, सही पकड़े, हाँ ठीक है। गुरुदेव, मैं लोगों के बहकावे में आकर सनातन धर्म को छोड़ दिया था और क्रिश्चियन धर्म में पहुंच गई थी। गुरुदेव, सनातन धर्म को लोगों ने इतना कहा तो मन मेरा बदल गया और मैं दूसरे धर्म की ओर पहुंच गई। पर गजब की शिव पुराण है आपकी कि क्रिश्चियन धर्म से वापिस सनातन धर्म में ले आएगी। गुरुदेव, मेरी बेटी गर्भ में ही बीमार थी, गले में गांठ थी, दिल में 7 mm का छेद था, जुबान मोटी थी। डॉक्टर ने कह दिया था तुम्हारा गर्भ में जो बच्चा है वो ठीक नहीं है, उस बच्चे को मत रखो। पर तुम्हारा बच्चा 5 साल से ज्यादा जीवित नहीं रह पाएगा, उस बच्चे को मत रखो, उसके हृदय में छेद है 7 mm का, शरीर में गले के अंदर एक गांठ है, जीवान उसकी मोटी है, आप उसको मत रो। फिर भी मैंने उस बच्चे को जन्म देना चाहा। जब बच्चा गर्भ में था तो मेरी माता ने भी कहा, तू चिंता मत कर, बाबा का भजन कर। मेरी माँ शिव की कथा में अपने दिल को लगाती है बाबा, उन्हीं माँ ने आपकी कथा सुनना बताया और मैंने सुनना प्रारंभ करा। बच्चे का जन्म हुआ, उसके दिल में 7 mm का छेद, गले में गांठ, जीवान मोटी, जिसका मैं फोटो भी लगा रही हूं। मेरे बाबा के भरोसे रहो, मेरी माँ ने कहा अगर बेटी को इतनी तकलीफ है तो तू और बेटी दोनों टीवी के सामने बैठकर कथा सुना कर। मैं मानने को तैयार नहीं, क्योंकि हम इसको माने कैसे, हम तो चेंज हो गए। पर दुख का व्यक्ति क्या ना करता, मैंने विश्वास कर आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। डॉक्टर ने 1 साल तक ऑपरेशन करने के लिए कहा और इसके हृदय के छेद का ऑपरेशन होना है और इसके गले में जो गठान है उसका ऑपरेशन होना है और जीवान जो मोटी है उसका ऑपरेशन होना है। बच्ची का फोटो आप लोग टीवी चैनल पर लाए हो, बच्ची को ले आओ जरा, अगर बच्ची आई हो तो लेकर आओ उसको, ले आओ।
डॉक्टर उसके 7 mm छेद का, हृदय में जो छेद है उसका ऑपरेशन का तैयारी कर रहे हैं, उसके गले की गठान के ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, और मेरी माँ मुझे कथा सुनने का कहती है। मैंने 15 से 20 दिन मांगे डॉक्टर से, और ऑपरेशन की तैयारी भी करते रहे, और आपका जो मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहे। शंकर जी के मंदिर में पहली बार जाना चालू करा, बाबा का जल लाकर बेटी को लगाना प्रारंभ करा, बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। जब 7 mm के छेद के लिए ऑपरेशन के लिए जाने लगे तो डॉक्टर ने जांच कर कहा कि इसका छेद अब भरा रहा है, इसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। गुरुदेव मेरी बेटी की मोटी जो जीवान थी उसको पतला करने के लिए काटा गया, उस जीवान को काट कर रखा गया, पर डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी बेटी के जो 2 ऑपरेशन होना है अब वो जरूरत नहीं है, इसकी जीवान वापिस ठीक हो रही है, और इसके गले में जो गठान है वो भी अपने आप गल गई है, मेरी बेटी अब ठीक होना प्रारंभ हो गई है। शिव तत्व इसी को कर, ओघड़ी इसी को कर। आ रही, आ जाओ। अरे खानी न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाहे पसारे, अपने मदे से लगा लो। एक बार जोरदार ताली बजाए बेटी के लिए, प्रणाम। एक बार जोरदार ताली बजा बेटी के लिए, बहुत बहुत बाबा के। शिव तत्व में क्या नहीं है। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, देखिए इस पत्र को। एक पत्र है, मैं मनीषा रायपुरे गांव हरसोड़ा जिला कुल ठाणा, ठीक है कुल ठाणा, ठीक है तहसील मलकापुर से आई हूं। कहीं बैठी हैं? हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो तो। हैं उधर, ठीक है हाथ हिला दो। बच्चा आया साथ में, गोदी में लो उसको। हाँ ठीक है, ला सकते हो, धीरे धीरे उसको लेकर आओ। मैं मनीषा रायपुरे गांव हरसोड़ा जिला कुलढाणा तहसील मलकापुर से आई हूं। मेरा बच्चा आर्यन, जिसको अचानक से एक रोग हो गया जिसमें शरीर की नसें सब चोक होने लगी और वो चलने में असमर्थ हो गया, चल नहीं पाता था। डॉक्टर के अनुसार इसका रोग का कोई इलाज नहीं है, पर मैंने मेरे बाबा की कथा में सब कुछ देखा है। मैं टीवी पर आपके पत्र सुनती थी तो मेरा भी विश्वास जागा कि मेरे बेटे को मेरा बाबा चला सकता है, दूसरा कोई नहीं चला सकता। डॉक्टर ने कह दिया था इस बीमारी का इलाज नहीं, चल नहीं पाएगा, ये धीरे धीरे और बेकार हो जाएगा। तब अब करे तो करे क्या, डॉक्टर ने कहा कि इसका इलाज नहीं, 10 दिनों का डॉक्टर का इलाज लेकर मैं आईसीयू में बच्चे को रखी 6 दिन तक, पर कोई आराम नहीं लगा, बच्चा चलने में असमर्थ हो गया, गिर जाता पड़ जाता पर चल नहीं पाता। अब करूं तो करूं क्या। तब किसी से कहा कि मेरे बच्चे के लिए, तो उसने तुरंत कहा मेरे पास सीहोर का रुद्राक्ष रखा है, आप उस रुद्राक्ष को पानी में गला लो और रात को पानी में गला कर सुबह पानी शिवजी को चढ़ाओ, वो पानी चढ़ा हुआ तुम्हारे बेटे को तो दो और उसके शरीर पर लगाओ। मैंने अपने बेटे का इलाज कराना, दवाइयां लेती रही, इलाज कराती रही। 1 महीने तक मैंने बेटे को शिवजी पे चढ़ा हुआ जल लाकर शरीर पे लगाती और पिला देती। बाबा मैं क्या वर्णन करूं, डॉक्टर भी हाथ उठा दिए थे,
फेंक दिए थे, आज मेरा बेटा ये शिव पुराण के कारण चलकर यहां तक आया है। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी है शंभो, जिस बीमारी का इलाज नहीं, सारी समस्या का हल एक लोटा। बाबा मेरे बेटे को मैं रोज लेकर आती हूं, वो चलता भी है। आज मुझे सबसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मेरे बेटे की चलने की मिली है, जो डॉक्टर भी पीछे हट। शिव तत्व इसी को कहते, औघड़ी इसी को कहते, शंभु इसी को कहते। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे ना परिवार के भरोसे, ना घर के भरोसे ना परिवार के भरोसे, मेरे बाबा दया करना, भरोसे। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना इनके भरोसे हूँ ना उनके भरोसे, ना इनके भरोसे ना उनके भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। उसके शरणागति ले ओ, उसकी शरण में रहो, क्या नहीं देगा वो, क्या नहीं देगा। ऐसा दुनिया का कौन सा दुख है जो मेरा शंभु नहीं काट सकता। पर आप आते आओ, आतो जाते हो, पर विश्वास लेकर नहीं आते। इस कथा के पंडाल में नहीं, आप ये सोच कर आना कि मेरे भोले बाबा के घर में जाकर बोलने जा रहे हो। जहां कथा हो, जहां पंडाल लगे, हम तो कहें 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक कोटा के दशहरा मैदान, राजस्थान कोटा में 5 दिन शिव महापुराण की कथा मिली है, देव पितर शिव पुराण। दिल से कोटा के आसपास के लोग ऐसे पंडाल में दिल से बैठ जाना, दिल से सुन लेना, वो दिल से लुटा देगा। उस बच्चे को चला के लाओ जरा, लाओ। ये बच्चा पूर्ण तरह से बिस्तर पर आ गया था। जोरदार ताली बजाओ इसके विल पावर को। उसको ऊपर लाओ, आ जाओ, चलो ऊपर चलो। प्रणाम। जोरदार ताली बजाएं। शंभू खाने
एक बार चल के जाना सामने से निकल जा, चल के निकल, धीरे से उसका हाथ पकड़ के इधर सामने से निकल जा, चल के हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभु ये दुनिया के लोग कुछ भी कहें, जिसने सुनी प्रार्थना करी, जिसने सुनी प्रार्थना करी, ये बीमारी जिसमें शरीर पूरा धीरे धीरे बंद हो जाता है, शायद ही कोई चल पाता है, पर बाबा पकड़ कर खींचता है अगर विश्वास दिल में पकता है। सुनो शिव महापुराण की कथा, जब जब आस्था चैनल पर आए, टीवी पर आए, मोबाइल पर आए, पंडाल में हो, तुम्हारे घर से 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 200 किलोमीटर दूर भी अगर शिव पुराण हो और सूचना मिल जाए कि कुबेरेश्वर महादेव पुराण आई है, बस इतनी सूचना मिल जाए कि सीहोर से बाबा लेकर पहुंच गया, पहुंच जा, पहुंच जाओ, वो संभालेगा, उसके भरोसे पहुंच, वो देखे, उसके भरोसे रहना सीखो, वो संभालता है। मिली राजस्थान वालों को 16 श्राद्ध में 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर मिली, 7 अक्टूबर से मिली छत्तीसगढ़ में शिव कोड़ी, शिव धाम कोड़िया को मिली, फिर नागपुर वालों को मिली 7 से 21 अक्टूबर 5 दिन मिली। जिसको मिली उसको ले आओ तत्व को, छूटे ना, एक में नहीं सुनेगा, दूसरे में सुनेगा, दूसरे में नहीं सुनेगा, तीसरे में सुनेगा, पर उसका पीछा नहीं छोड़, पकड़ लो उसका चल। बीमारी बड़ी है, बहुत बड़ी बीमारी भी है, भरोसा दिल और मन पक्का रखना, शरीर शिथिल हो जाए मन मत होने देना। बोलबम का नारा है, उसके सहारे रहिए, उसके भरोसे रहिए। मैं कहूंगा शंकर भाऊ को, मैं कहूंगा विजय भाऊ को, मैं कहूंगा अश्विनी ताई को, धन्य है आप और आपका जब तक परिवार और ये मित्र मंडली जिसने ये कथा करा कर ना जाने कितनों का उद्धार कर दिया। साधुता आपको, बहुत बहुत साधुता, धन्यवाद है आपको। 2 दिन की कथा हो रही है पुणे में, कल कथा का समय यही रहेगा 2 बजे से 5 बजे तक, परसों के दिन कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा, परसों के दिन सुबह का समय 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा, पर टीवी पर कथा का समय वही 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। कथा के रस तत्व को अपने जीवन में उतार, अपने जिंदगी में धारण करो, शिव तत्व को धारण, शंभू। पुणे वाले थोड़ा जल्दी जागे हो कभी कि नहीं जागे हो? अरे बोलो तो जम के, पक्का? तो फिर 8 से 11 में मिल जाओगे ना शंभू। ये तो बाबा की कथा है, विराम के दिवस की कथा, जब परसों रहे बाबा का भाव से आनंद से पधारना, शंभू की कथा कर रही है, भगवान शिव का कथा का वर्णन कर रहा है महाराज। भगवान गणेश का चौथा अष्ट विनायक में से एक विनायक है वरद विनायक, एक ऐसे राजा जिनके घर में संतान का सुख नहीं, पर विश्वास पक्का कर गुरु विश्वामित्र जी के पास गए और उनसे क्या प्रार्थना करते हैं ये अपन कल की कथा में श्रवण करेंगे। भगवान श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाएं, भगवान शिव के साथ में श्री गणेश जी पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाइए,
बोल गणेश जी महाराज की। अपने जीवन को सार्थक बनाओ, आनंदित बनाओ, धन्य बनाओ और भगवान शंकर की पावन कथा का रस तत्व ग्रहण कर अपने जीवन को आनंद पाओ। 16 श्राद्ध में 1 तारीख से 5 तारीख तक जो कोटा राजस्थान में कथा है दशहरा वाला मैदान में, कथा का समय का दशहरा मैदान कोटा में जो कथा रहेगी वो टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। छत्तीसगढ़ कौड़िया में जो 7 दिवसीय कथा रहेगी उसके पहले के 2 दिन 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी, बाकी के पीछे के 5 दिन 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। भाव से कथा को श्रवण करो। श्राद्ध पक्ष की जो कथा सुने वह हाथ में थोड़ा सा 2-4 जाना चावल का लेकर सुनना, पक्षियों को चावल डाल देना कथा सुनने के बाद। और अगर पंडाल में कथा सुनने आ रहे हो तो अपने पूर्वजों का चित्रपट भी आप गोदी में रख कर लेकर बैठ सकते हो, कथा श्रवण कर सकते हो। बड़े भाव से एक गणेश जी का सुंदर थोड़ा सा गुणगान करें, उसके बाद में फिर आरती की तैयारी करें। बोल गणेश जी महाराज की।